नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का आज ट्यूसडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल वेडनेसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहां पे एक अपन को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद हमें एक बड़ी सी जो अपन को प्रीवियस डे मंडे के दिन जो 3 बजे के आसपास एक अपन को सेलिंग देखने को मिलती, इस रेंज के अंदर हमें आज पूरे दिन मोमेंटम करते हुए देखने को मिला है। जिस तरफ भी इस रेंज का ब्रेकआउट करता तो वहां से एक अपन को मोमेंटम देखने को मिल सकता था, पर इस रेंज के अंदर ही हमें मोमेंटम करने के कारण सिर्फ अपन को आज के दिन साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डीके ही देखने को मिला हुआ, और फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी के अराउंड 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमें देखने को मिली है। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के दिन का इंट्राडे का मूवमेंट का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहां देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अपना क्या बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो मैं आज की कैंडल देखने मिली वो एक अपन को इनसाइड कैंडल फॉर्म होती हुई देखने मिली, क्योंकि जो मंडे के दिन की रेंज थी उसी के अंदर आज के दिन अपन को मोमेंटम करते हुए देखने मिला है बैंक निफ्टी। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट अपन को रेजिस्टेंस देखने मिलेगा सबसे पहले वो है पहले 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अपन को यहाँ से अपसाइड में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड की मोमेंटम की बात करें तो बियरिश मूव अब तभी देखने को मिलेगी जब ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी, जो कि अराउंड 50,195 का लेवल, अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तभी एक अपन को डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल सकता है जो कि है 49,650 का लेवल, और जब तक अब इस रेंज में मोमेंटम करें यहाँ पे अपन को वॉलेटाइल मूव बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल वेडनेसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। दोस्तों अपन आगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे बुलिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकआउट करे बैंक निफ्टी, जो कि अराउंड 51,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 51,785 का देखने को मिल सकता है, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है, और जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल जो कि अराउंड 52,360 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है अपसाइड में अगर 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो। अब चलिए देखते हैं डाउनसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउनसाइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने मिलेगी जब ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी, जो कि अराउंड 50,700 के आसपास का लेवल, अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो एक अपन को यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 50,466 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 50,200 के लेवल देखने को मिल सकता है, और जो अपना थर्ड और फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है डाउन साइड में अगर 50,700 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डीके भी देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचें। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 51,500 का साइकोलॉजिकल लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 50,700 का लेवल ब्रेकडाउन करे तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउनसाइड से एक अपन को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आज के दिन काम करती हुई देखने को मिली है ये वाली ट्रेंड लाइन। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी, साथ ही साथ ये लेवल का भी ब्रेकडाउन करे जो कि है 50,700 का लेवल, तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें, और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई अपन को अच्छी एक रेंज बनती हुई देखने को मिले, जैसे कि 15 मिनट्स की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उसमें एक अपन को अच्छा कंसोलिडेशन मूव देखने को मिले, और उस कंसोलिडेशन के जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।